हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व चार दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपास करते हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत इस साल कब हो रही है, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कब है छठ पूजा। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर को रविवार सुबह 7:23 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार छठ पूजा 19 नवंबर को होगी। कब है नहाए खाए ये भी जान लीजिए। लोक आस्था का यह महापर्व चार दिनों तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए होता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। खरना की तारीख भी आप जान लीजिए। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना इस साल 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती घाट पर आते हैं और डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय 5:26 होगा। छठ पूजा पर उगते सूरज को अर्घ देने का क्या समय होगा ये आप विस्तार से जान लीजिए। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। यही सूर्योदय का समय है, इसलिए आप अर्घ देने समय से पहुंच जाइएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं छठ पर्व चार दिन तक चलता है, तो अब आप चारों दिनों के कैलेंडर तारीख और समय नोट कर लीजिए कि कब सूर्यास्त होगा और किस दिन ये पर्व मनाया जाएगा। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए होता है, जो कि 17 नवंबर को है। इस दिन शुक्रवार है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना है, जो कि 18 नवंबर दिन शनिवार है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ 19 नवंबर को है, दिन रविवार। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन, जिस दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है और पारण किया जाता है, ये 20 नवंबर को है और इस दिन सोमवार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।